वंदे मातरम। मैं हूँ वेद थापर, राजा और रेंचो, द फेमस डिटेक्टिव। ब्रांड के बारे में आपने अभी मुझसे पूछा, तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है स्वच्छता, शुद्धता, सफाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो साफ सुथरे हैं, जहाँ साफ सफाई है, वहीं ईश्वर बसते हैं। और फिर ये तो जो हमारे शिष्य कालीचरण राज ने शुरू किया है, माई लॉन्ड्री डॉक्टर, ये जो माई लॉन्ड्री डॉक्टर है, ये सिर्फ कपड़ों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बल्कि इसमें एक और विशेषता है कि ये कपड़ों को किसी भी तरह के रोग से, बैक्टीरिया और वायरस से भी बचाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ स्पेशल इन्होंने काम शुरू किया, इसीलिए मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इनको जानता हूँ, बल्कि जब इन्होंने मुझे इसके बारे में सुझाया, बताया कि भाई ये विशेषता है हमारी, तो मैंने कहा फिर लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए कि क्या खूबी है। लॉन्ड्रीज तो बहुत सारी हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक गली, हर गली में देखिए लॉन्ड्रीज हैं, तो फिर ऐसी क्या विशेषता है इसमें। माई लॉन्ड्री डॉक्टर का मतलब है कि आपके ना सिर्फ कपड़ों को ये साफ करते हैं, बल्कि ससम्मान साफ करते हैं, क्योंकि आपके कपड़ों से ही आपकी शान और शौकत है, आपका मान सम्मान है। तो इसलिए मैं इस ब्रांड के साथ में जुड़ा और इस ब्रांड का मैं ब्रांड एम्बेसडर बना। सर, आपसे चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बताया कि किस तरह से ये लोगों को बेनिफिट करेगा और जो लॉन्ड्री बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको कैसे बेनिफिट करेगा, और आपके दिमाग में ये बात आई कब कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आप मार्केट में लाएं? मेरे दिमाग में एक्चुअली ये जो आया है, क्योंकि काफ़ी सारे लॉन्ड्रीज बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए मैंने देखा। सिर्फ लॉन्ड्रीज नहीं, अभी जो ट्रेडिशनल लॉन्ड्री जैसे हमारे धोबी भाई लोग हैं, वो लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं बताऊंगा किस तरह से, और साथ में हमारी जो जो आम आदमी है जो लॉन्ड्रीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, या फिर जिसके पास टाइम है लेकिन वो ये काम करने के लिए मतलब सक्षम नहीं है, तो हमने उसके लिए जो ट्रेडिशनल लॉन्ड्री, अभी धीरे धीरे प्रोफेशनल एंड जो कॉरपोरेट लॉन्ड्रीज की वजह से ट्रेडिशनल लॉन्ड्रीज की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ एक्वेंटेड नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो उनके पास होना चाहिए, एजुकेशन एंड अदर चीज़ें नहीं होने के कारण उनको नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई सामने आ रहा है। इसीलिए हमने तय किया कि हम जितनी लॉन्ड्रीज हैं उनको ट्रेंड करेंगे, उनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर देंगे, उनको एक व्यवस्थित मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज वे में उनको लेके जाएंगे, और उनको एक सीमित लोकेशन में नहीं रखेंगे, हम उनकी जो बाउंड्रीज है वो मतलब दूर तक लेके जाएंगे, ये सोच के हमने उनको उनके लिए ये प्रक्रिया शुरू किया। और हमारे प्लेटफॉर्म में एक साथ में काफ़ी सारे लॉन्ड्रीज जो है मिल जाता है कस्टमर को। और अभी देखिएगा, जब कोई बुकिंग करता है लॉन्ड्री का, तो उस टाइम अब पता नहीं धोबी भाई जो हमारे होते हैं वो कब आएंगे वो पता नहीं होता है, और कब कपड़ा लेके जाएंगे, कब कपड़ा देंगे वो भी नहीं पता होता है। हम तैयार होके बैठे होते हैं कि हमें कपड़ा पहन के बाहर जाना है, तो टाइम पे नहीं मिलता है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमने क्या किया, हमारे ऐप में कस्टमर अपने हिसाब से टाइम डाल सकता है, मतलब अभी 25 तारीख को उसको चाहिए तो 9 बजे उसको पिकअप चाहिए तो 9 बजे ही मिलेगा, 27 तारीख को डिलीवरी चाहिए और सुबह 9 बजे चाहिए तो वही टाइम पर मिलेगा। मतलब यह है कि कस्टमर का जो टेंशन वो ख़त्म हो गया, वो एक प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल सर्विसेज चूज कर सकता है और प्राइस कंपेयर कर सकता है। अभी लॉन्ड्री में मोनोपोली चल रहा है, तो अब हमारे प्लेटफॉर्म में आने के बाद वो प्राइस कंपेयर करते हुए उसको जो किफ़ायती होगा कस्टमर वो दे सकता है। अभी देखिए SOPs तो सबके लिए एक है, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लॉन्ड्रीज, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, तो इसका मतलब कस्टमर को बढ़िया सर्विस मिलने वाला है, चाहे वो 10 रुपया वाला लॉन्ड्री हो या फिर वो 50 रुपया लेता हो, लेकिन सर्विस एक ही है, मतलब कस्टमर को फ़ायदा ही फ़ायदा है। और लॉजिस्टिक के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था किया है, मतलब जो है फ्री होम डिलीवरी सर्विसेस है, एक सर्टेन अमाउंट है उसके नीचे अगर वो कोई बुकिंग करता है तो उसके लिए डिलीवरी चार्ज लगता है, लेकिन हमने पूरी तरह से ये कस्टमर सेंट्रिक ऐप बनाया है। ये भी जानना चाहूँगा कि मुंबई में आपने आप लॉन्च किया, तो कैसे ऑपरेशन कैसे करेंगे आप, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ये ऑफिस रहने वाला है या फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं या कहीं ऑफिस और खोलने वाले हैं, क्या प्लानिंग क्या है आपका इसको लेके? देखिए, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कोई भी चाहेगा कि मुंबई से शुरुआत हो, और मुंबई वालों का प्यार पूरी दुनिया ने देखा है, बड़ा प्यार देते हैं सबको। प्लांट होगा, आप लोग भी विजिट कीजिएगा, तो
उसके बाद ये जो प्रोडक्ट की बात है, अभी कोई लॉन्ड्री वाला हमसे जुड़ता है, उनको फ़ायदा ये है कि एक तो उनकी बाउंड्री ख़त्म हो गया, दूसरा तो वो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से ट्रैक कर सकते हैं, तीसरा है वो जो डेली बेसिस पे उनकी जितनी बिजनेस हो रहा है, अभी कस्टमर को जो फीडबैक फीड फॉरवर्ड जो वाला वो चीज़ है वो उनको नहीं मिल रहा था, अब उनको फीडबैक भी मिलेगा और फीड फॉरवर्ड भी हो पाएगा। कस्टमर को अभी क्या है 24/7 सपोर्ट हमारा कस्टमर केयर नंबर है, जो कि मतलब IVR है, जो कभी भी कस्टमर फ़ोन कर सकता है। उनकी जो लॉन्ड्री वालों का प्रॉब्लम है, अभी स्पॉटिंग के लिए इशूज है, कपड़ा ख़राब होता है, कपड़े की कोई दाग नहीं जा रहा है, कुछ भी इशू है, तो हम उनके लिए एक टीम है हमारे पास जो कि प्रोफेशनल है और ट्रेंड है और काफ़ी सालों से इस फील्ड में है, तो वेल एजुकेटेड हैं, तो वो लॉन्ड्रीज को ट्रेंड कर रहे हैं। और लॉन्ड्री वालों की बाउंड्री ख़त्म होने के साथ साथ उनको एक सम्मान मिल रहा है, वो अपनी डिजिटल दुकान खोल रहे हैं। अभी डिजिटल इंडिया की बात पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है इंडिया, तो जो हमारे धोबी भाई लोग और लॉन्ड्री भाई लोग पीछे छूट गए थे, हम उनको डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। और ऐसी बहुत सारी रीजन हैं कि उनकी मतलब फ़ायदा बहुत है। अभी हम उनसे क्या ले रहे हैं, उनकी जो प्राइस है, उनकी जो प्राइस है वो ऐप में वही है जो आप फिजिकली जाके वहाँ पे बिजनेस ले करेंगे, देंगे कपड़े, जो प्राइस ले रहे हैं आप ऐप में भी वही प्राइस पाएंगे, उल्टा हमारे पास आएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि कभी ओपनिंग के लिए अभी ग्रैंड ओपनिंग का अभी कूपन चल रहा है, कभी मतलब वैरायटी काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब उनको लॉस नहीं है कुछ, त्यौहार वगैरह जो होंगे उसमें स्पेशल ऑफर्स, मतलब उनको लॉस नहीं है, लेकिन उनकी बिजनेस बढ़ रहा है। और मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक सर्वे किया और काम किया हम लोग ने, तो 30% बिजनेस ग्रोथ इनिशियल 3 months में दिखाई देगा। वेरी गुड। और जो कस्टमर वाला चीज़ है, मैंने बता चुका हूँ, कस्टमर को एक तो कभी भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, अपने हिसाब की से टाइम बुक कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सर्विसेज चूज कर सकते हैं, और प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं, उनको कोई इशू है जो रिजल्ट नहीं हो रहा था पहले, अब टिकट, उसमें टिकट सपोर्ट है, अगर फाइनेंशियल इशूज कुछ होता है उसमें है, आपका चैट ऑप्शन है, मतलब डायरेक्ट अपने डिलीवरी बॉय और लॉन्ड्री वाले से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और उसमें है मतलब वो अपनी कोई भी समस्या हो उसकी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, साथ में उनको जो नॉर्मल रेगुलर रेट वो दूसरे लॉन्ड्री से पा रहे उससे सस्ते में मिल रहा है उनको, ऐसे काफ़ी सारे फायदा है, और अपने लोकेशन में ही मिल रहा है उनको, अपने लोकेशन की सारी लॉन्ड्रीज दिख जाएंगी, अगर उनकी लोकेशन में नहीं चाहिए, दूसरा कोई लोकेशन में चाहिए, वो सर्च करेंगे ऐप में तो वो भी मिल जाएगा। सर, इसके लिए क्या कोई ऐप बनाया गया या कैसे सर्विस कैसे देंगे? जी बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी है कि इसके लिए ऐप बनाया गया, अभी कालीचरण ने बताया है, और डिजिटलाइज वाली जो बात है, बट मुझे चारों तरफ से एक चीज़ समझ में आती है, जब मैंने इनसे योजना सुनी थी इनकी, तब प्लान सुना था, तब आज जो मैं सुन रहा हूँ वो, एंड ओवर द मंथ्स जितने भी महीनों से हम इनसे बात कर रहे हैं, डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं, कि आम लोगों को बहुत फ़ायदा है इसमें, आम लोगों को जब तक लाभ होगा नहीं तब तक लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। एंड इन्होंने बताया कि जो छोटे लॉन्ड्री वाले हैं उनको भी उसमें फ़ायदा है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जो बड़े बड़ी मछलियां हैं वही सिर्फ बाजार में रुक जाएंगी, बल्कि हर किसी को लाभ है, जहां सबको लाभ होगा, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं कि छोटी लॉन्ड्रीज कैसे मतलब जो है अपने सम्मान को वापस पाने के साथ साथ वो अपने बिजनेस को किस तरह से हमारे साथ जुड़ने के जुड़कर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक छोटी सी बात है, देखिए जो छोटी लॉन्ड्रीज होती हैं ट्रेडिशनल लॉन्ड्रीज हैं, वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं है, कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, वो पैसे ना होने के कारण, फाइनेंशियल दिक्कत के कारण वो टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब अभी जो मॉडर्न मशीन आ रहा है वो नहीं ले पा रहे हैं अभी, तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कि रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं उनकी, तो हमने क्या किया है, उनको सिंपल कर दिया, उनकी उनकी लाइफ को सिंपल कर दिया, ये कर दिया कि जब आप हमसे जुड़ते हो, जुड़ने के बाद हम आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर दे रहे हैं, मतलब आपको कैसा करना है, आपकी लॉन्ड्रीज को कैसे मेंटेन रखना है,
आप कैसे कपड़े को पैक करके देना है, आप कैसे कपड़े को वॉश करना है, कौन सी साइकिल में कितना मिनट लेना है, कौन सी साइकिल में कौन सा केमिकल डालना है और आपको कौन सा केमिकल यूज करना है, साथ में केमिकल भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, मतलब उनको। इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये डॉक्टर है लॉन्ड्री का, क्योंकि मैं अपनी डिस्पेंसरी में जब लोगों को कहता हूँ कि इस समय ये दवाई खाना, ये पानी इतना पीना, ऐसे बैठना, ये खाना खाना, ये खाना नहीं खाना, इतना तो आज तक लॉन्ड्री के बारे में किसी ने नहीं सोचा। और इससे लॉन्ड्री और आम लोगों का कितना लाभ है, सबसे बड़ी बात है रोगों से आप मुक्त होंगे। जो रेगुलर लगने वाले रोग हैं जिसमें जीवाणु है, विषाणु है, उस तरह की चीजों से मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। वेरी एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, चीजों पे मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए जी। हमने गाड़ी धुलाई तो सुना था, हेलमेट धुलाई, ये क्या ये नया कॉन्सेप्ट? देखिए अभी जो है मैं हेलमेट धुलाई के पास आता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज रह गया है वो पहले बताना चाहूंगा कि जब कोई लॉन्ड्री वाला अभी टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन जब कोई लॉन्ड्री वाला हमसे जुड़ता है उनका पूरा फाइनेंशियल ट्रैक हमारे पास आता है, उनके पास भी आता है, वो रख सकते हैं और बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब वाइट आ गया वो, और वो साल भर में जितना बिजनेस कर रहे हैं उनको पता चल रहा है, बैंक को भी पता चल रहा है, अब बैंक उनको ट्रस्ट कर सकता है। मेरे कहने का यह मतलब है, अभी समझ लीजिए एक लॉन्ड्री वाला डेली का 2000 का बिजनेस कर रहा है, मतलब महीने का 60,000 रुपये का बिजनेस किया, साल का 7,20,000 का बिजनेस किया। जब वो एक आजकल ये जो स्टीम वाला प्रेस आता है, एक एक टेबल का कीमत है 1.5 लाख रुपया, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं ला पाते हैं, लेकिन जब हमारे प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद जब साल का ट्रांजेक्शन इनका इतना दिखता है ना, तो बैंक भी उनको लोन देता है, और जब बैंक नहीं देगा तो हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि उनको लोन दो, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है। सर लास्टली पूछना चाहूंगा कि ऐप का डाउनलोड चार्ज वगैरह है क्या? डाउनलोड चार्ज वगैरह उनका क्वेश्चन का जवाब दे दूं फिर आपको बताता हूं। जो हेलमेट की बात है, हेलमेट की बात है, हेलमेट अभी देखिए हम डेली कपड़ा धोते हैं, है ना, शूज भी धो लेते हैं, बॉडी भी वॉश करते हैं, लेकिन उसी हेलमेट को ज्यादातर जीवाणु विषाणु जो भी है कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है, है ना। लेकिन वो हेलमेट हम कभी धोते ही क्या? सालों तक वैसा ही पहनते हैं। आपको पता है, इसीलिए हमारा सवाल था ये, आपको पता है क्या मतलब ये उससे कितनी इफेक्ट होता है सर पे, कितना इफेक्ट होता है अपनी पूरी शरीर पे, और अपनी हाइजीनिक जो मेंटेन हम नहीं कर पाते हैं हेलमेट की वजह से, हमें पता ही नहीं चलता। हम बोलते हैं रोज नहाते हैं, रोज धोते हैं, फिर भी हमें ये जुलाब क्यों हो गया, हमें ये जुकाम क्यों हो गया, ये हो गया। मुझे एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, बट समझ लीजिए तो वो क्यों हो गया। एक्चुअली हेलमेट को साफ रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया कि हम हेलमेट भी ड्राई क्लीन करेंगे, जो कोई नहीं कर रहा है वो भी हम करेंगे और सबको बोल के करवाएंगे। इसका चार्ज कितना रखेंगे? हेलमेट का ड्राई क्लीन का चार्ज सिर्फ 80 रुपया है, सिर्फ। डिलीवरी देंगे आप? नेक्स्ट डे डिलीवरी है, आज लेके जाएंगे, अगले दिन डिलीवरी देंगे, डिलीवरी देंगे। आप लोग अपने अपने छोड़ दीजिए। और ऐप का जो डाउनलोड का बता रहे थे, ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये सबसे बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसा चार्ज